तो आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल का फेसबुक लाइव पेज और मैं हूं आपके साथ महक। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नाम घोषित होने के बाद कई कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। वहीं बीजेपी के तपोभूमि कार्यालय के कार्यालय मंत्री को टिकट नहीं मिलने को लेकर उनका भी गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। नीमच निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी के टिकट को लेकर जो असमंजस की स्थिति थी वो अब स्पष्ट हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने नीमच नगर पालिका के सभी 40 ही वार्डों में प्रत्याशियों के नामों को घोषित किया, जिसके बाद बीजेपी के तपोभूमि कार्यालय के कार्यालय मंत्री को टिकट नहीं मिलने को लेकर उनका भी गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि निश्चित रूप से जमीनी और सक्रिय कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का दायित्वहीन कार्यकर्ता हूँ। मुझे खुद को दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि संगठन हितबोना हो गया और व्यक्ति हित सर्वोपरि हो गया। लोगों ने अपने हित के लिए छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को रोदने का काम किया है। आज जो आपकी पार्टी ने जो टिकट वितरण करे हैं, जो 40 वार्ड की जो घोषणा करी है, उसमें आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी ने नगरपालिका चुनाव को लेकर के जो सूची जारी की है और 40 वार्डों में प्रत्याशी घोषित किए हैं, निश्चित रूप से इससे जमीनी समर्पित सक्रिय कार्यकर्ताओं में बहुत गहरा असंतोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं और दायित्वान कार्यकर्ता हूं। जिला कार्यालय मंत्री के पद पर कार्यरत एक कार्यकर्ता के नाते मेरी संगठन के प्रति निष्ठा, मेरी समर्पण जो कुछ भी है, एक एक कार्यकर्ता इस बात का साक्षी है। लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ, वेदना के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि नीमच जिला भाजपा में संगठन हित बोना हो गया और व्यक्तिगत हित सर्वोपरि हो गया। लोगों ने अपनी निस्वार्थ और महत्वाकांक्षा के कारण छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के भविष्य को रौंदने का काम किया है। कहीं ना कहीं इस दौड़ में भाभी जी आप भी थे और आपने भी सेवा करी पार्टी की 40 साल से। निश्चित रूप से मेरी पत्नी जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की वर्षों से सक्रिय कार्यकर्ता है और पूरा संगठन का नेतृत्व जानता है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की विगत 4थी बार वो उपाध्यक्ष रही है, 2004 में पूर्व में पार्षद भी रही है, सामाजिक क्षेत्र में भी और पर्यावरण स्वच्छता के क्षेत्र में भी काम करती है, और दिलीप सिंह परिहार मेरे स्वयं के वार्ड के हैं, जिस वार्ड से मैंने टिकट मांगा है, लेकिन उन्होंने मुझसे जिस तरह की कुंठा भाव, एक राजनीतिक कुंठा, उन्होंने आज नहीं पहले भी इस प्रकार की कुंठा मेरे साथ अपनाई है। मैं बहुत दुखी हूँ। पार्टी नेतृत्व को मैंने अपनी बात के लिए अपील की है और पार्टी प्रदेशाध्यक्ष जी तक मैंने गुहार की है और मैंने संभागी जो समिति है, अपील समिति, वहाँ तक अपनी गुहार की है। और आज मैंने मेरी पत्नी के साथ जाकर के मेरी पत्नी ने जीतू विनोद नागदा ने वार्ड क्रमांक 4 नगर पालिका से नामांकन पत्र भाजपा के प्रत्याशी के रूप में दाखिल किया है। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे संगठन के नेतृत्व पर मुझे भरोसा है, मेरी पार्टी की रीति नीति पर मुझे भरोसा है। संगठन हमारा प्राण है और मुझे मालूम है, मुझे ये पता है, मैं अपेक्षा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ कि मेरा संगठन। नीमच से रतन पंडित की ये रिपोर्ट। तो ये था आप का अपडेट। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।